हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर मनिंदर कौर। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में, दैट इज जिसको हम ओटी भी कहते हैं। ये हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं असेसमेंट्स के लिए और हम उनको पूछते हैं कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी ले रहे हैं साइड बाय साइड, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ओटी है क्या या ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। सो इसीलिए आज हम इस पे फोकस करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द यूज ऑफ असेसमेंट एंड इंटरवेंशन टू डिवेलप, रिकवर और मेंटेन द मीनिंगफुल एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस। अभी पेरेंट्स क्या कहते हैं कि मैम इसका नाम ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? सो ऑक्यूपेशनल, इसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसलिए बोला जाता है कि इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द प्रोसेस जिसमें पहले असेसमेंट होगी, ठीक है, फिर प्लान अप होगा कि हम ये वाली एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे जिससे कि बच्चा इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाएगा या इंडिपेंडेंटली अपने ऑक्यूपेशंस पे जा पाएगा वापस। सो अब कहते हैं कि बच्चे का क्या ऑक्यूपेशन होता है, तो बच्चे का तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन करते हैं बच्चे, दैट इज लर्निंग और प्लेइंग, ठीक है। अगर बच्चे का ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगा मतलब टाइम ही होगा, अर्ली इंटरवीन अगर आप करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, तो अगर ओटी आप प्रॉपरली ले रहे हो विद स्पेशल एजुकेशन, तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट दिखाएगा। अब क्या है कि मोस्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस एरियाज पे काम करती है, तो जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली हमारी फिजिकल नीड्स पे, बच्चों की कॉग्निटिव नीड्स पे और कोई भी अगर सेंसरी इशू है। अभी फिजिकल नीड क्या है, जैसे कुछ बच्चे जंपिंग नहीं कर पाते हैं, या जब भी हमारे पास 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि आपके बच्चे टो वॉक करते हैं, तो ये भी ओटी इश्यूज हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि उनको नॉर्मल वॉक करना नहीं आता, सम किड्स आर ऑलवेज इन मोशन, वो भागते ही रहते हैं, हाइपर एक्टिव है। अब जब हाइपर एक्टिविटी काम डाउन होगी तभी वो स्कूल जाएंगे और फिर अपने लर्निंग प्रोसेस जो है वो कर पाएंगे जो भी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जिनको स्टेयर्स उतरने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टेयर्स चढ़ जाते हैं लेकिन उतरने में प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। सो ये होंगे सारे फिजिकल इश्यूज। नेक्स्ट इज कि कॉग्निशंस पे कैसे काम करते हैं। अब कॉग्निशंस पे क्या है, पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे की अटेंशन लैकिंग है, ठीक है, बट उनको अब ये नहीं पता किस चीज से ये चीज रिकवर हो सकती है, कौन सी ऐसी थेरेपी है, ठीक है, जिन बच्चों को अटेंशन का इश्यू होता है, ठीक है, या जो बच्चे की प्रॉब्लम रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत लैकिंग है, या जिन बच्चों की रीजनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। और साइड बाय साइड कॉग्निशन में काम करती है तो उन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी ऑटोमेटिकली काम होता है। और सेंसरी इश्यूज क्या है, जिन बच्चों को कोई भी 7 senses से रिलेटेड डिसफंक्शनिंग है, चाहे उनकी सेंस अंडर स्टिमुलेटेड है या ओवर स्टिमुलेटेड है, उस पर भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी करते हैं, ठीक है। ये सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से हमने बात की है, तो प्लीज सेंसरी इंटेग्रेशन थेरेपी के बारे में भी जरूर सुनिए, ठीक है। अब है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम और किन किन बच्चों को दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम ब्रेन इंजरीज हो किसी भी बच्चे को, या ठीक है, या एकदम से कोई ट्रोमैटिक इंजरी हो गई है बच्चे को, कोई ट्रोमैटिक ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो भी हम देंगे। जैसे कुछ बच्चों का बर्थ क्राई नहीं होता ड्यूरिंग बर्थ, तो क्या है कि फिर उनके लर्निंग इश्यूज बहुत आते हैं, या फिजिकली उनको कुछ भी इशू आ सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए ओटी बहुत अच्छा है। या ऑटिज्म है बच्चे को, या डेवलपमेंटल डिलेज है, या बच्चे को MR है, ठीक है, तो इन सब बच्चों को अगर आप ओटी देंगे विद स्पेशल एजुकेशन तो काफी अच्छा ही बच्चा रिकवर कर जाते हैं। अब पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम करवा रहे हैं, जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं जो 2-3 months ही अभी उन्होंने ओटी कराई है, तो पेरेंट्स बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये क्या है, मतलब सेम एक्सरसाइजेस हमें डेली बेसिस पे वही रिपीट कराते जानी है, तो मतलब इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन में हमने बात की कि जैसे बच्चों को एकदम से स्टिमुलेशन आती है और हमारी सारी सेंसेस जो है अगर डिसफंक्शन है, तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल्स पहुंचते हैं उसको हमारा ब्रेन जो है ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाता है, ठीक है। जब हम सेम एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस रिपीट करवाते जा रहे हैं, तो जो हमारा ब्रेन है इन इस स्टिमुलेशन को बेहतर मतलब बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करता है स्लोली एंड स्टेडी, ठीक है। सो ये है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो है काम, ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके बच्चों पे किस तरीके से काम करती है, ओके।
अगर आपको लगता है कि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल है या आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस दे रही है, तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.